हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो अगर आप इंतजार कर रहे हैं विधवा पेंशन कब आएगा, तो देखिए सबके खाते में विधवा पेंशन का जुलाई और अगस्त का किस्त ट्रांसफर कर दिया गया है। ये देखिए डेट ट्रांसफर को 21 तारीख को ही हो गया, मतलब 21 जुलाई को हो गया, लेकिन हमने यहाँ पे पूरा कंफर्म किया है कि सच में ट्रांसफर किया गया है कि नहीं। हमने 2-3 औरतों का बैंक बैलेंस चेक किया तो देखे कि वहाँ पे सबके खाते में 3,000 रुपये ट्रांसफर किया गया है गवर्नमेंट की ओर से। लेकिन अगर हम बात करें वृद्धा पेंशन का, तो वृद्धा पेंशन का अभी कोई भी न्यूज नहीं आया है और कोई भी जानकारी नहीं है कि कब ट्रांसफर होगा। लेकिन जैसे ही वृद्धा पेंशन का ट्रांसफर किया जाएगा, पैसा सबके खाते में भेजा जाएगा, तो आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। तो अभी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे चेक कर पाएंगे अपने गाँव में कि कितने लोगों के खाते में पैसा गया है। तो चलिए हम बताते हैं आप कैसे चेक कर पाएंगे। तो ये चेक करने के लिए अब आपको आ जाना है गूगल पे। गूगल पे आने के बाद ऐसे टाइप करना है पेंशन स्कीम यूपी। अगर आप पेंशन लिस्ट टाइप करेंगे तो वहाँ पर देखिए वृद्धा पेंशन का आ जाता है, विधवा पेंशन का कोई ऑप्शन नहीं आता है। तो आपको टाइप कर लेना है पेंशन स्कीम यूपी। जैसे ही इतना टाइप करके सर्च करेंगे तो यहाँ पर पहली वेबसाइट आ जाएगी पेंशन यूपी पेंशन स्कीम। इसको आपको टैप करके ओपन कर देना है तो वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। आपको इसको पेज को आपको थोड़ा सा ऊपर करते जाना है। तो पेज को ऊपर करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है निराश्रित महिला पेंशन, मतलब विधवा पेंशन इसी को कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके ओपन कर देना है। जैसे ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आप पेज को थोड़ा सा ऊपर करते जाना है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा है पेंशनर सूची 2022 और 23। तो इसको टैप करके आपको ओपन कर देना है। जैसे टैप करके ओपन करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यूपी में जितने भी जिले हैं सबका नाम यहाँ पे आ गया है, तो जिस जिला का आप देखना चाहते हैं वो जिला यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि देवरिया का हम देखना चाहते हैं, देवरिया सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं, जो आपका ब्लॉक है उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फिर से नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे ब्लॉक के बाद पूरा गाँव आ गया है, तो जो आपका गाँव है वो गाँव यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हमने किसी एक गाँव को ले लेते हैं और यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। जैसे ओपन करेंगे तो अब आपको यहाँ पर पूरा शो करने लगेगा कि यहाँ पे देखिए पहले जो क्वार्टर है उसमें 11 लोग का है, 4 लोग का है, 8 लोग का है। तो आपको लास्ट वाले क्वार्टर पर क्लिक करना है जहाँ पे 14 दिखाई दे रहा है। आपके गांव में अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन क्वार्टर नंबर 4 में जितनी भी संख्या है उस पर आपको क्लिक करना है। देखिए हम 14 है तो इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करेंगे तो पूरा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे पूरा सबका नाम आ गया है, जितने भी आपके गांव में पेंशनर है उनका नाम आ गया। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहा है, यहाँ पे उसका नाम दिखा रहा है, पिता का नाम दिखा रहा है और उम्र दिखा रहा है और वर्ग दिखा रहा है, यहाँ पे बैंक नाम दिखा रहा है, यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है कितना ट्रांसफर हुआ है और पेमेंट का स्टेटस देख सकते हैं। तो रिलीज हो गया है, मतलब पेमेंट हो गया है। ऐसे ही आप यहाँ पे स्क्रॉल अप करेंगे तो पूरा लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा आपके गांव का, और यहाँ से अपना उसका नाम देख सकते हैं और उसके पति का नाम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं पेंशन का लिस्ट। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे ही वृद्धा पेंशन रिलीज हुआ तो आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी और आप अपना पैसा चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल से ही।